लॉज इसे अपनी पड़ गई। अभी 8 महीने तो हुए इसे सऊदी अरब गए हुए, और वैसे भी खालू ने भी आसिया की शादी नहीं करनी, वो तो नसीम का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने भी कह दिया शकील को कि पहले मैं अपने फारूक और तबस्सुम के रिश्ते की बात करूंगी तस्नीम से, बस एक दफा तेरी नौकरी लग जाए और पिट्टो का रिजल्ट आ जाए, फिर ये मजे की बनी ना सबसे बहुत। शुक्र है इम्तिहान खत्म हो गए, अब दुआ कर मेरी कोई सपली ना आए। अभी तो जबान से कोई अच्छी बात निकाल लिया कर। इंग्लिश से बहुत डर लगता है मुझे। कुछ नहीं होता, पास हो जाएगी। ना भी तो क्या हुआ, नौकरी तो है तेरे पास। हाँ बस एक यही बात ना मुझे तसल्ली देती है, वरना आगे पढ़ने के लिए मेरे पास तो दिमाग नहीं है। मुझे भी लगता है कि मेरा आगे पढ़ना मुमकिन नहीं है, अब रिटायर हो रहे हैं, घर में आमदनी कम हो जाती है। मम्मी भी कह रही हैं किसी स्कूल में नौकरी ढूंढ लो। तो तू कहे तो तेरे लिए मैं अपने पार्टनर में बात कर लूं, तीसरी में तो खार हो जाएगी तू। ले जन्नत जी से तो मुलाकात कराई नहीं, नौकरी दिलाएगी मुझे। अरे वो आजकल बड़ा परेशान रहती है अपनी मेट की वजह से। क्यों अभी तक मिली नहीं? नहीं पिछले पेपर की छुट्टियों में जब मैं गई थी तब तक तो नहीं मिल रही, बड़ा रो रही थी बेचारी। सुनो क्या रो रही थी वो? हाँ एक तो बच्चों को साथ ले जाकर स्टूडियो जाना, फिर इतना बड़ा शो चलाना, ऊपर से मियाँ के साथ भी झगड़े चल रहे हैं। हाय अल्लाह अमीर लोगों की जिंदगी में बड़े मसले। अल्लाह ना करे जन्नत जी की जिंदगी में कोई मसला हो। मुबारक हो, तो तुम बीए पास हो। अभी रिजल्ट कहाँ है? तुम भी हमेशा 2 कदम आगे ही दौड़ते हो। आगे नहीं दौड़ूंगा तो तुम्हारे ख्वाब कैसे पूरे करूंगा? जहाँ से तुम्हारे लिए नक्शी लेकर आया था ना, उस जिगर को क्या कहा था कि अब की बार तुम्हें साथ लेकर आऊंगा अपनी शादी के जेवर पसंद करने। और शकील भी पैसे भेज दिया सौदिया से। एक मिनट, तुम शकील से कहो कि पहले तुम्हारी इस बाइक के पैसे तो भेज दे। नई बाइक खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, शादी की धुन सर पे सवार करने का क्या फायदा? रुक जाओ तो बस, मैं तुम्हें रिक्शा करवा देता हूँ। यार रहने दो फारूक, मैं बस से चली जाऊंगी। अब रिक्शे के चक्कर में रुक गई तो फिर और देर होगी और फिर अम्मी परेशान होंगी। हर बारी थोड़ी खराब होती है, इतना तीखा क्यों बोल रही हो तुम? पहले भी तो जब कभी खराब होती थी तुम तो मेरा हाथ बटाती थी, मदद करती थी मेरी, अब क्या हो गया? फारूक मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बा की रिटायरमेंट है कुछ दिन के बाद, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करके खुद भी भूखी मरूं और जिंदगी में अगर कुछ करने का मौका मिलेगा उसको भी गवा दूं। मैं चंदा के साथ घर चली जाऊंगी, मैं तुझे बाद में देखती हूँ। नई बाइक खरीदने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, शादी की धुन सर पे सवार करने का क्या फायदा? अब्बा की रिटायरमेंट है कुछ दिन के बाद, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करके खुद भी भूखी मरूं और जिंदगी में अगर कुछ करने का मौका मिलेगा उसको भी गवा दूं।
आज जल्दी आ गई, अभी तो सिर्फ 11 ही बजे। आज मीनू की बुटीक की लॉन्च थी, पूरी इंडस्ट्री वहां पर थी। तुम जानते हो मैं ऐसे इवेंट्स मिस नहीं कर सकती। तुम ऐसे अकेले खाना क्यों खा रहे हो, बच्चों के साथ बैठा लिया करो। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन 9 बजे मैं बच्चों को खाना खिला के सुला देता हूँ। यूजुअली अकेले ही डिनर करता हूँ, लेकिन तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल किस किस बात पे शर्मिंदा होगी। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन इस बार ये तो बताओ कि तुमने कब फैसला किया ये सब करने का जो मेरे साथ कर रहे हो। तो मेरे शौहर और मेरे साथ क्यों नहीं चलते। जॉब करने वाला एक आम आदमी हूं मैं, कोई बिग शॉट नहीं। पर ऐसे भी तुम्हारे साथ जाकर मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवाना। आज कितने दिनों के बाद हम इकट्ठे बाहर खाना खाने आए हैं। मैं तो तुम्हें रोजाना बाहर लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता। ऐसे कभी सोचा था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि हम दोनों को बाहर जाने के लिए इकट्ठे बैठने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। सोचा तो नहीं था। फेडरल मिनिस्टर ऑफ पावर एंड वाटर, ओह इलाही बख्श मेमन, तुम्हें पता है इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कॉल की थी। क्यों? कह रहे थे मेरे फैन। फेडरल मिनिस्टर तुम्हारा फैन? आई मीन उसके पास टाइम ही कहाँ होगा कि वो मॉर्निंग शो देखे बैठ के। उन्होंने मुझे देख लिया। अब लोग बैठे में अभी आया। अच्छा तो उसमें क्या बड़ी बात है जन्नत? जन्नत वो एक मिनिस्टर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी किस्मत देखिए आप, हमें तो अपनी खुशनसीबी पे रश खा रहा है। अभी 4 दिन पहले आपसे फ़ोन पे बात हुई थी और आज मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके लिए तो नहीं है ना, आप तो नाम लेके मुखातिब करें। मुझे आपका नाम लेने में थोड़ी झिझक महसूस होती है। झिझक इस बात की चीज। ऐसा करें मेरे साथ आए टेबल पे, खाना खाएं, बैठते हैं। मेरे कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी हैं और मशहूर बिजनेसमैन भी हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। देखें उनकी तरफ। नहीं कोई बात नहीं, आप डिस्टर्ब होंगे। आपसे डिस्टर्ब होंगे कैसे हो सकता है, ये तो एहसास की बात होगी हमारे लिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप प्लीज। आइए 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 आइए, बिस्मिल्लाह। देखिए भाई कौन आया हमारे टेबल पे। अरे भाई इन्हें कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। आप हमारा भी तो तारुफ कराइए लाइबुक साहब। कराते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है। मेरा मदद ये हमीद मिश्वानी साहब है, मिश्वानी ग्रुप का नाम सुना होगा ना, उसके मालिक है। अस्सलाम वालेकुम जन्नत जी। ये तो मेरे शो के स्पॉन्सर भी हैं। जी जी, लेकिन आपसे मुलाकात का शर्फ नसीब नहीं हुआ मुझे अभी तक। तो आज हो गया ना। थैंक यू। ये है हमारे मंजूर साहब, मंजूर सयाल। ये जो स्काईलाइन होटल्स की चेन है ये इन्हीं की है। जी जन्नत जी, मैं तो आपका बहुत ही बड़ा एडमायरर हूँ और आज तो बड़ी खुशी की बात यह है कि आपसे मुलाकात हो रही है। वो हमारे साथी है अब्दुल कादिर साहब, हमारे मिनिस्टर हैं हाउसिंग और वर्क्स के। अगर आपको कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी हो, इज द राइट पर्सन टू कॉन्टेक्ट। ठीक है। अरे भाई सारा तारुफ क्या खड़े खड़े कराएंगे, बैठेंगे नहीं मैडम, थक जाएंगी खड़े खड़े।
नहीं नहीं मैडम, नहीं थकती मैडम, तो सारा शो खड़े खड़े करती है, क्यों जरूरत मैडम? बिल्कुल थकने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से अब हम थकते हैं। जी जी हाँ, हाँ। कहती है तो बैठ जाते हैं। आइए जी आइए आप प्लीज। बिल्कुल मेरा फोन दे रहा मुझे, खाने में क्या पसंद करेंगी आप? कुछ भी जो आप खा रहे हैं। अच्छा अच्छा चलिए अच्छी बात है, खाना लगवाओ। एक बाहर के होते हैं विलायती टाइप के, आप कभी हमारे गांव आइए, वहाँ पे हम देसी चीजें आपको खिलाएं। आप कहाँ से हैं? हम ये शिकारपुर के साथ ही है, बिल्कुल सारा इलाका जो है। अच्छा 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 अच्छा, बस अपने ही समझे आप जो भी कुछ। बहुत शुक्रिया। सर आप ऑर्डर कब तक करेंगे? आप ले लो। जी जी मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ। हाँ जी खाना काफी अच्छा है एक्चुअली। जनत मुझे बात बताओ, तुम्हारी नजर में हमारे रिश्ते की क्या अहमियत है? फजूल बातें ना करो नमान, आधी रात को इतना लड़ाई शुरू ना कर। ये फजूल बात नहीं। जान ना है कि तुम्हारी नजर में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत है भी कि नहीं। अगर तुम बात बात तो मेरे साथ इस तरह लड़ते रहना, जो अहमियत होगी मीना वो भी नहीं रहेगी। मुझे इस नौकरी की ज़रूरत है, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू आया बनेगी, बच्चे पालेगी उसके। क्यों क्या हर जगह कोई गुनाह वाला काम है क्या? तू ना बेवकूफ़ है, टीचिंग पे लग जा गई, बीए का रिजल्ट आता है ना तो सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं। मशवरे मन दे, बंद कर खत। ऐसे कैसे बंद करूँ, सारा खत पढ़ूंगी मैं। कहीं ऐसी वैसी कोई बात लिख दी तूने तो नौकरी मेरी चली जानी है तेरे खत के चक्करों में। और तू जानती भी है जन्नत को, उन्हें जब गुस्सा आता है ना तो वो खड़े खड़े जलील कर देती हैं लोगों को। तुम्हें लगता है मैं जन्नत जी को ऐसे वैसे कुछ लिखूंगी? क्या पागल है तू? ले पकड़, पढ़ लिया तेरा खत मैंने। अच्छा सुन, तू ये खत उन्हें दे देगी ना?
जब मौका मिलेगा और सामना होगा। एक तो पार्लर इतना बड़ा है ना कि मुझे खुद भी कभी कभी पता नहीं चलता, वो आके निकल भी जाती है। तो ना देख, तू वैसे मत करना मेरे साथ कि तू ये खत लेकर बैठ जाए और वो किसी और को मेंट रख ले। नहीं करती, फिक्र नहीं कर, ये नौकरी तेरी किस्मत में होगी ना तो तुझे जरूर मिलेगी। शो का पास तो मिला नहीं, नौकरी मिल जाएगी। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी।